सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज हम त्रैमासिक संस्कृत शिक्षण की लाइव कक्षा संख्या 48 को पढ़ने जा रहे हैं, 48 को। अड़तालीसवीं कक्षा को पढ़ रहे हैं। 43 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। सभी कक्षाओं को, जो भी पाठक महानुभाव इस कोर्स को आरंभ से पढ़ना चाहें, प्ले लिस्ट में कॉलम बना दिया गया है त्रैमासिक संस्कृत शिक्षा नाम का। उस कॉलम पर क्लिक कीजिएगा, सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़िएगा तो आप 3 महीने के अंदर धारा प्रवाह शुद्ध संस्कृत भाषा को लिखना, पढ़कर के समझना तथा बोलना सीख जाएंगे गारंटी के साथ। ये यूनिक कोर्स बना रहा हूं और ये निशुल्क अभियान है, चलिएगा। अब मैंने गत कक्षा में आपको बताया था कि मैं अब जो भी मैंने आपको नियम पढ़ाए हैं, मुख्य रूप से नियमों का अवलोकन कराऊंगा। सिंहावलोकन बोलते हैं कि जैसे शेर चलता जाता है, पीछे देखता जाता है, तो वैसे ही हम आगे भी बढ़ेंगे तो पहले एक बार पीछे देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, तो आप सभी का पुनः स्मरण भी हो जाएगा। ठीक है, आगे जो पढ़ेंगे उसके लिए आप ध्यान भी रखेंगे पीछे की चीजें। तो जो भी हमने नियम पढ़े हैं अभी 45, 46, 47 जो भी हैं, वो सभी नियमों की एक बार मैं आपको बताऊंगा जल्दी से। हो सकता है 2 कक्षाएं बन जाएं, 3 कक्षाएं बन जाएं, नियमों के लिए बनेंगे। इतने नियम एक बार हमको आपके दिमाग से फिर दोबारा गुजारना है, निकालना है, तो 2-3 कक्षाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो चलिएगा। आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सिंहावलोकन इसमें अवलोकन केवल करना है, सुनना है और समझते जाना है। लिखने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि लिख तो आपने लिया ही है। हाँ, लिख तो लिया ही है आपने पहले। ठीक है, चलिएगा। और कोई भी पाठक यदि इस कोर्स में भाग लेना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा। चलिए आइए मित्रों, ये लीजिए। सबसे पहला नियम आपको मैंने जो पढ़ाया था, नियम है हमारा कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जब हम वाक्य बनाते हैं तो जैसा कर्ता होता है, माने जो कर्ता जिस वचन का होगा, ठीक है, और जिस पुरुष का होगा, वैसी ही क्रिया उस वचन की और पुरुष की होती है। ठीक है, ये नियम पहला आपको बताया। फिर इसके बाद में आपको दूसरा नियम बताया था मैंने, तीनों लिंगों में धातु का रूप समान रहता है, अर्थात चाहे क्रिया स्त्री कर्ता स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, क्रिया का लिंग कुछ बदलता नहीं है क्योंकि क्रिया लिंग होता ही नहीं उसका। ठीक है, चाहे वो पुल्लिंग करे, चाहे नपुंसक लिंग करे, चाहे स्त्री करे, क्रिया वैसी रहती है, क्रिया में कोई अंतर नहीं आता है। तीसरा नियम था आपका, वाक्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। क्या? वाक्य का जो कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला जो कर्ता होता है, तो उसमें उस शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे आइएगा। चार, वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। जब वर्तमान काल में क्रिया हो रही है उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, लट लकार के रूपों का प्रयोग करते हैं। नियम 5 है आपका, किसी भी शब्द के अंतिम मा को आगे किसी भी व्यंजन के आने पर अनुस्वार हो जाता है, स्वर आने पर नहीं, स्वर आने पर नहीं।
ठीक है, कोई भी शब्द है उसके आगे कोई शब्द आ रहा है तो जो पूर्व वाला शब्द है उसके अंत में माए है, और जो आगे आने वाला शब्द है उसके आदि जो अक्षर है वो या तो व्यंजन है कोई, तो पूर्व वाले शब्द के अंतिम म को अनुस्वार कर देते हैं, और यदि बाद में आने वाला शब्द है उसका पहला अक्षर यदि स्वर है तो मा मा ही रहता है, ये बता दिया। चलिए आगे का आपका नियम छह है, नियम छह है भवत शब्द के साथ क्रिया प्रथम पुरुष की प्रयोग की जाती है, मध्यम पुरुष की नहीं। ठीक है, क्या जो भवत शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो भवत शब्द कहता तो सामने वाले को है, मध्यम पुरुष को, परंतु भवत शब्द का साथ में वाक्य के अंदर क्रिया मध्यम पुरुष की नहीं होती है, किसकी होती है? प्रथम, थर्ड पर्सन की होती है। ठीक है, नियम सात, वाक्य के कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है, जो वाक्य का कर्म होता है कर्म कर्ता में तो प्रथमा बता दी, और जो वाक्य का कर्म होगा उसमें कौन सी विभक्ति होती है? बोलो, द्वितीया विभक्ति। कर्म में बहुत सारे उदाहरण दिखाए थे, यहां देख भी रहे होंगे, अब बताएंगे ना उदाहरण आपको। ठीक है, उदाहरण बता दिए, अब नियम समझना है बस। ठीक है, और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। नियम आठ, अभिताः उभयताः परिताः सर्वताः विना प्रति धिक अंतरा अंतरेण उपर्युपरि अधोधः समया निकषाः अनु अध्यधि। ये सभी अव्यय हैं, ये शब्द जिनके विषय में कहे जाते हैं उन शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है, ये सभी अव्यय होते हैं, इनके रूप नहीं चलते, अर्थात इनका संबंध वाक्य में जिनके साथ होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं। उदाहरण मैंने बहुत सारे दिखाए थे आपको। ठीक है, चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा। नियम है आपका नौ, नियम नौ क्या कहता है कि संस्कृत में च का अर्थ और होता है, और होता है, अच्छा माने और, क्या माने और का प्रयोग हिंदी के प्रयोग माने प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के पश्चात किया जाता है, माने हिंदी में यहां पर और लगता है, संस्कृत में वाक्य बनाएंगे तो उसके लिए जो लगने वाला अच्छा है वो हिंदी के हिसाब से एक शब्द के बाद में उसका प्रयोग होता है। तो समझा दिया था बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए उदाहरण यहां लिखे हुए हैं, हम समझाएं, उदाहरण तो आपकी पुस्तक में लिखे हैं। नियम 10, समय और स्थान की दूरी वाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है, माने समय, ये समय, ठीक है, माने समयवाचक शब्द और स्थान की दूरी को कहने वाले शब्द, ठीक है, उनमें क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्राः दश दिनानि पठन्ति, ये द्वितीय हो गए, ठीक है, ये समय बोधक हो गया, और स्थान की दूरी वाची को कहने वाले शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे क्रोशम आदि शब्द हैं, कोश आदि, ठीक है, तो उसमें भी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे पथिका क्रोशम गच्छति, तो या क्रोशम में द्वितीय हो गई, ये क्या है? स्थान की दूरी वाची शब्द है। ठीक है, चलिए नियम नियम आपका है 11, 10 नियम हो गए आपके, हाँ 10 हो गए, 11वां नियम आ जाइए मित्रों, क्रिया को करने के लिए कर्ता को जो सबसे अधिक सहायक होता है वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, करण कारक क्या होता है? कर्ता जब क्रिया को करता है तो उस क्रिया को करने के लिए कर्ता को सबसे अधिक जरूरत जिसकी होती है, ठीक है,
उसकी क्या हो जाती है, करण संज्ञा हो जाती है, वो करण कारक बन जाता है। ठीक है, तथा करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता, तृतीय विभक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो करण कारक में तृतीय होती है, बहुत सारे उदाहरण आपको दिखा दिए। आगे नियम है आपका 12, नियम इसमें कई खंड हैं, कई खंड में बहुत विस्तार से समझाया था मैंने आपको। वाक्य में कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन एवं पुरुष होता है, ये आपको हमने बताया था। ठीक है, यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की, कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया उत्तम पुरुष की, एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है द्विवचन, बहुत है तो बहुवचन। परंतु कहीं पर एक ही वाक्य में प्रथम और मध्यम मिलके आ जाएं, दोनों प्रकार के कर्ता आ जाएं, तो क्रिया का क्या कौन सा होगा, इसको बताने के लिए नियम समझाया गया था। ठीक है, ये तो नियम हमने आपको भी सब बता ही दिया था पहले। ठीक है, पुरुष होता है इसमें, ये देखिएगा, दूसरा देखिएगा, यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष एवं मध्यम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयोग हो तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी और वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। माने एक वाक्य में कर्ता प्रथम पुरुष भी आ गया और मध्यम पुरुष आ गया तो क्रिया कैसी होगी, मध्यम पुरुष होगी, और कर्ताओं की संख्या जो होगी उसके अकॉर्डिंग वचन हो जाएगा। ये समझा दिया था आपको। ठीक है, तीसरा पॉइंट था इसमें आपका, देखिएगा, यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष एवं उत्तम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वाक्य के अंदर यदि प्रथम पुरुष आ जाए और मध्य उत्तम पुरुष भी आ जाए तो क्रिया कैसी होगी, उत्तम पुरुष की होगी, और वचनों की संख्या कैसी होगी, कर्ताओं के आधार पर होगी, जितने कर्ता होंगे दो या तीन होंगे, बस द्विवचन या बहुवचन हो सकता है। चलिए, ये बताया था आपको। फिर आपको बताया मैंने, यदि वाक्य के अंदर मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष दोनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष आ जाएं तो क्रिया किसके अनुसार होगी, उत्तम पुरुष के अनुसार, और वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार होगा। चलिए लीजिएगा पांचवा पॉइंट, यदि वाक्य के अंदर प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष तीनों एक साथ कर्ता के रूप में प्रयुक्त हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की ही होगी तथा वचन कर्ताओं की संख्या के अनुसार ही होगा। यदि एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष भी आ जाए, मध्यम पुरुष भी आ जाए, उत्तम पुरुष भी आ जाए तो क्रिया किसके अनुसार होगी, उत्तम पुरुष। बस इतना नियम है पक्का। कल पहले आपको पूरा जल्दी जल्दी दिमाग में घूम गया होगा सारा, अच्छा ये पढ़ाया था गुरु जी ने तब, एक एक शब्द बोल बोल करके लिखाया गया है आपको। ठीक है, आइएगा अब है आपका नियम 13, देखिएगा, सह शब्द साई अव्यय का अर्थ है सात। नियम सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, माने सह शब्द के साथ जिसका संबंध होता है वाक्य में उसमें तृतीय कर देते हैं। जैसे पुत्र जनकेन सह विद्यालय गच्छति तो जनकेन सह तृतीय हो गए जनक में। ठीक, सरल है। आगे है नियम 14, अलम या व्यय शब्द का जब मत या बस, मैं बस बस इतना बस ठीक है, या अर्थ होता है तब अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम हसिते न मत हसो, ठीक है,
दो अर्थों में जब अलंक शब्द का प्रयोग होगा, मत और बस में, बस अर्थ में, तो क्या है उसमें वाक्य जिसके साथ इसका संबंध होगा, जिस चीज को मत करो, जिस बस ठीक है इसको उतना ही हो गया, उसमें तृतीया होगी तद्वाची शब्द में, ठीक है। जैसे यहां पर हसतेन में तृतीया हो गई, विवादेन में तृतीया हो गई, ठीक है। चलिएगा 15 नियम। शरीर के जिस अंग में विकार अर्थात न्यूनता दिखाई पड़े तद्वाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। शरीर का कोई अंग है विकृत है तो उस अंगवाची शब्द में तृतीया हो जाती है, ठीक है। जैसे पादेन खंजा अस्ति, मन पैर से लंगड़ा है, नेत्रेण काना अस्मि, मैं नेत्र से काना हूं, तो ये शरीर के अंगवाची शब्द विकृत हैं तो उसमें तृतीया हो जाती है। नियम 16, बिना, बिना ये अव्यय है, ठीक है। बिना का अर्थ होता है बस, बिना माने उसके बिना, विदाउट, के योग में तृतीया विभक्ति होती है। माने बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बोलो, तृतीया। तो चलिएगा, जैसे धनेन बिना का पी न जीवती, धन के बिना कोई नहीं जीता है। नियम 17, जिसके द्वारा कोई वस्तु, या वस्तु लिख दीजिएगा, वस्तु खरीदी जाती है तद्वाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। माने जिसके द्वारा, जिस पदार्थ के द्वारा कोई वस्तु खरीदी जाती है, कुछ भी खरीदा जाता है वस्तु, तो जिसके द्वारा खरीदा जाता है, जिस पदार्थ के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा नहीं, इस पदार्थ के द्वारा, तो तद्वाची शब्द में तृतीया होती है। जैसे छात्र 5 रुपये का ही पुस्तक क्रय करोती, माने छात्र 5 रुपये से पुस्तक को खरीदता है, तो 5 रुपये का ही में तृतीया हो गई है, सरल है, ठीक। रुपयों से तो खरीदता है, 5 रुपये से। नियम 18, किम कार्यम अर्था प्रयोजनम, ये 4 शब्द हैं, ठीक है। इन शब्दों का जब प्रयोजन अर्थ हो तो ये जिसके विषय में कहे जाते हैं हो, शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। माने कि इन चारों अर्थों का जब अर्थ क्या हो, प्रयोजन, प्रयोजन अर्थ हो, और ये जिस जिसका प्रयोजन, जो प्रयोजन है, ठीक है, जिस प्रयोजन से, तो उस प्रयोजनवाची शब्द में तृतीया व्यक्ति हो जाती है। जैसे दुष्टेन मनुष्येण किम, तो दुष्ट मनुष्य से क्या प्रयोजन, किम का अर्थ है क्या प्रयोजन, ठीक है। उदाहरण बहुत सारे आपको दिखाए थे। नियम 19, ये बहुत विशेष नियम था, ठीक है। रा री री और शा के बाद न को ण हो जाता है, एवं रा ना जैसे दिखाया था, री ना, री ना, शा ना, इनके बीच में यदि, इनके बीच में अर्थात यहां नीचे दिए हुए वर्ण हो तो भी न को ण हो जाता है, एकदम साक्षात मिल जाए तो हो ही जाएगा, बीच में व्यवधान होगा तो भी। कौन से वर्णों का, नीचे टेबल दिखा दिया है आपको मैंने, आ आ ए ई ओ उ और ए आई ओ औ का खा गा घा ना पा फा बा भा मा या वा रा हा, ये शब्द होंगे तो भी क्या है, न को अण हो जाता है। नियम बहुत विस्तार से मैंने समझाया था, बस आपको ध्यान आ जाना चाहिए, और ये हमेशा लगेगा, एक शब्द के अंदर ही लगेगा, ठीक है, एक शब्द के अंदर, और शब्द रूप चलाते हैं तो इसका ध्यान रखना पड़ता है विशेष, तो इसलिए ध्यान कर लीजिएगा, इसको बहुत जरूरी है। उदाहरण आपको दिखा दिए गए पहले,
नियम 20, देना क्रियाएं जिसके लिए की जाती हैं उसे संप्रदान कारक कहते हैं, और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, माने जिसके लिए हम कुछ पदार्थ देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है, संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और उसमें चतुर्थी का प्रयोग करते हैं। सरल है, ठीक। देखिएगा 21, नमाज स्वस्ति अलम, पर्याप्त अर्थ वाला, ये अलम कौन सा, क्या अर्थ होना चाहिए, पर्याप्त। पहले अलम आया वो अलग था, मत बस अर्थ में, ये पर्याप्त अर्थ में। सफिशियंट, ये भी अव्यय है, ये अव्यय है चारों तीनों। समर्था शक्ता हितम, ये अव्यय नहीं है। इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, अर्थात ये इन शब्दों का वाक्य में जिसके साथ संबंध होता है तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। उदाहरण बहुत सारे आपको दिखाए गए थे, ठीक है। चल नियम 22, नियम है लकार, लकार किसको बोलते हैं, कौन से लकार है, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग और लिरट। इन पांच लकारों का ही इस त्रैमासिक कोर्स में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। लकार और भी होते हैं परंतु इसमें इन पांच का ही प्रयोग है। नंबर 1, वर्तमान काल की क्रिया को बताने के लिए लट लकार का के रूपों का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान कालिक क्रिया को बताएं, बताना है तो लट लकार आता है, ठीक है। दो, आज्ञा देना अथवा आदेश देने में धातु के लोट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात लोट लकार कब होता है, जब किसी को आदेश देते हैं किसी कार्य करने के लिए अथवा आज्ञा लेते हैं, तब होता है लोट लकार। 3, भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए धातु के लंग लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भूतकाल माने पास्ट की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, ठीक है। 4, विनम्रता पूर्वक आज्ञा देने तथा चाहिए अर्थ में धातु के विधिलिंग लकार का के रूपों का प्रयोग किया जाता है। विधिलिंग कब होता है, जो चाहिए अर्थ में अथवा विनम्रता पूर्वक, भाई आप इसको कर लो, तो विधिलिंग का प्रयोग होता है। 5, भविष्यत काल की क्रिया को बताने के लिए धातु के लिट लकार के रूपों का प्रयोग किया जाता है, माने फ्यूचर की क्रिया को बताने के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। अच्छी प्रकार से आपने सीख ही लिया है। चलिएगा नियम 23, धातुएं 3 प्रकार की होती है मित्रों, आपको समझाया था, धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक परस्मैपदी धातु होती है, कुछ आत्मनेपदी होती है, कुछ उभयपदी होती है। अभी हमने परस्मैपदी धातुओं को ही पढ़ा हुआ है, अब आगे की कक्षाओं से इनका भी आरंभ हो जाएगा आत्मनेपदी का, ठीक है, और उभयपदी भी बता देंगे आपको, ठीक है। धातुओं का ये तो प्रकार है। नियम 24, कोई भी वस्तु जिसे अच्छी लगती हो तो उसे, जिसे अच्छी लगती है उसको कहने वाले शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। अर्थात जिसको अच्छा, माने अच्छा जिसको लगता है, माने अच्छा लगने वाला जो है वाक्य में, तो उसमें चतुर्थी हो जाती है, अर्थात वो संप्रदान कारक बनता है, ठीक है। जैसे मुझे ये पेन अच्छा लग रहा है तो मैं क्या बन जाऊंगा, संप्रदान कारक, और ये पेन क्या बन जाएगा, कर्ता वाक्य का। ऐसे ही मैंने उदाहरण भी आपको दिखाए थे, इसी प्रकार के आपको मैंने उदाहरण भी दिखाए थे, जैसे बालकाय दुग्धम रोचते
बालक के लिए दूध अच्छा लगता है, तो ये तो संप्रदान मार चतुर्थी हो गई इसमें, और ये करता है दुग्धम रोचते, ठीक है। अति बालिका यही पठनम रोचते, ये रोचते, ठीक है, बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। तो इसमें आपको जिसको अच्छा लगता है, कोई भी चीज अच्छी लगती है, तदवाची शब्द में उसको कहने वाले शब्द में कौन सी विभक्ति होती है, बोलो, चतुर्थी। चलिएगा, ये बहुत सारे उदाहरण है आपकी, आपने लिखे हैं उनमें देखिएगा फिर, या विशेष मैंने आपको बता दिया था, जो भी वस्तु आदि अच्छी लगती है वह वाक्य में कर्ता होती है, तथा तदवाची शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था। जो चीज अच्छी लगती है, जिसको लगती है उसमें चतुर्थी, और जो लगती है उसमें प्रथमा हो जाती है, वो कर्ता हो जाती है इस वाक्य का, ठीक है। चलिएगा, तो मित्रों आइएगा चतुर्थी और करते हैं, चतुर्थी पूरा कर देते हैं इसमें, क्योंकि सारे नियम इसमें नहीं हो पाएंगे, ठीक है। 25, वाक्य में जिस पर क्रोध किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है, जिससे असूया की जाती है, तदवाची शब्दों में चतुर्थी होती है। माने जिस पर क्रोध करेंगे, जिससे ईर्ष्या करेंगे, जिससे असूया करेंगे, तो जिससे करेंगे ना उसको कहने वाला जो शब्द होगा उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उदाहरण मैंने आपको बहुत सारे दिखाए थे यहाँ पर, ये लिखे हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक। तो जिससे असूया करते हैं, जिससे ईर्ष्या करते हैं, जिससे क्रोध करते हैं, ठीक है, तो उस तदवाची शब्द में चतुर्थी होती है। 26, कथम निवेदय उपदिश, इन धातुओं के साथ अर्थात जिसे कहा जाए, जिससे निवेदन किया जाए तथा उपदेश किया जाए, तदवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। माने जिसको कहना है, कथ धातु का प्रयोग करेंगे तो जिसको कह रहे हैं उसमें चतुर्थी होगी, जिसको निवेदन कर रहे हैं उसमें चतुर्थी होगी, जिसको उपदेश कर रहे हैं उसमें भी चतुर्थी होती है। उदाहरण आपको दिखा दिए गए थे, ठीक है। ये बहुत सारे, जैसे गुरु शिष्याय कथयति सा मह्यम कथयिष्यति, ये भिक्षुका निरपाय निवेदयति, गुरु छात्रेभ्या उपदिशति, ये बताया था। नियम 27, के लिए अर्थ को बताने के लिए अर्थम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थम ये अव्यय है एक, ठीक है। इस अव्यय को जिसके लिए, माने वाक्य में जिसके लिए, उसको कहने वाला जो शब्द तत्वाची शब्द के साथ जोड़ करके प्रयोग किया जाता है, माने अर्थम शब्द को उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे पठनार्थम, भोजनार्थम, श्रवणार्थम, पढ़ने के लिए, भोजन के लिए, सुनने के लिए, जाने के लिए, गमनार्थम, दर्शनार्थम, देखने के लिए, भ्रमणार्थम, घूमने के लिए। तो ये अव्यय बन गया, आप अब इसका रूप नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, इतने नियम आपको मैंने चतुर्थी का पूरा कर दिया। आगे की कक्षा में बाकी के जो नियम है उनको कर दूंगा, दो कक्षाओं में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बार बार यही बताया, केवल और केवल ये आपकी आवृत्ति के लिए, आवृत्ति के लिए, कि पहले का आपको चीजें ध्यान आ जाए, ठीक है। बस इसलिए इतना इन दो कक्षाओं में कराना है, तो निरंतर कक्षाएं आपकी चलेंगी। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। पूरा सभी ये चीज किसको समझ में आएगी, ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने पीछे की कक्षाएं पढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि इन दो कक्षाओं में ही सारा कोई पीछे का जो पढ़ा है वो सारा कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।